हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले हैं उन छात्रों के बारे में जो आजकल परीक्षा की वजह से काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं। तो उनके लिए हम बता दें कि एक नई खबर आई है छात्रों के लिए, और वो ये है कि यूपी में यूनिवर्सिटी के सभी प्रथम वर्ष के छात्र बिना परीक्षा प्रमोट किए जाएंगे। मतलब ये है कि सभी यूनिवर्सिटियों के जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, चाहे वो पीजी में हो चाहे वो यूजी में हो, उन सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, केवल फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को द्वितीय वर्ष में पदोन्नत किया जाएगा। यूपी विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों का मूल्यांकन, तो जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनका मूल्यांकन एक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो लास्ट ईयर में हैं, अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, उनको डिग्री मिलेगी एक परीक्षा के माध्यम से, और वो एमसीक्यू होने वाली है, जो कि एक तीन सदस्यीय समिति जो गठित किया गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी होना चाहिए, क्योंकि केवल एक वर्ष का एग्ज़ाम दे के, केवल फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे के बीएससी की डिग्री नहीं दी जा सकती। तो उनका एक राय शुरू में था कि थर्ड ईयर में ही दोनों एग्ज़ाम कराया जाए फाइनल ईयर में, लेकिन फिर ये विचार बन रहा है कि इसी साल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम करा के तब उनको थर्ड ईयर में कराया जाए। तो ऐसे विश्वविद्यालय जहां वार्षिक योजना के तहत यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर यूजी और पीजी दोनों चलाए जाते हैं, वहाँ प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में पदोन्नत करने का निर्णय कर लिया गया है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम वर्ष को एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पूरी तरह से प्रमोट कर दिया गया है। बात सेकेंड ईयर के लिए भी है, तो ऐसे सभी छात्रों के प्रथम वर्ष के परिणाम द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए जाएंगे। तो जो प्रमोट किए जा रहे हैं पहले साल वाले बच्चे फर्स्ट ईयर के, उनका परिणाम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जो होगा उसके हिसाब से तैयार होगा। लेकिन ऐसे छात्र जो 2020 में प्रमोट किए गए हैं, 2020 में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय, ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर दूसरे वर्ष के परिणाम तय करेंगे। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां थीं जो कि 2020 में भी एग्ज़ाम करा ली थी, तो वो उस एग्ज़ाम के बेसिस पे, यानी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट तैयार करेंगे, और इसके बाद उनको तीसरे साल में प्रमोट किया जाएगा। यानी जहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे 2020 में, उन यूनिवर्सिटियों में सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर के हिसाब से बना के प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड ईयर में। लेकिन ऐसे छात्र जहाँ पे, या ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुआ था पिछले साल, और वो ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए थे, तो वो जो दूसरे वर्ष के छात्र हैं जिन्होंने पिछले साल परीक्षा नहीं दी थी, वे परीक्षा देंगे तब जाके वो प्रमोट होंगे। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि जो पिछले साल फर्स्ट ईयर बिना एग्ज़ाम दिए सेकेंड ईयर में पहुँचे थे, उन्हें सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना होगा, तभी वो थर्ड ईयर में जाएंगे। हालांकि जो विश्वविद्यालय, वही चीज़ है फिर से, जो विश्वविद्यालय 2020 में प्रथम वर्ष के परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पाए थे, उन छात्रों को OMR आधारित परीक्षा के माध्यम से दूसरे वर्ष में परीक्षा देनी होगी। OMR आधारित मतलब विकल्पी क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे। अब उसके लिए क्या होगा बाद में, ये मॉडल वगैरह तो शायद बाद में ही कुछ पता चले, अभी सिर्फ इतना है कि OMR आधारित परीक्षा होगी, और उसी आधार पर, उसके प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें तीसरे वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों को एग्ज़ाम कराने की एक डेट दी गई है कि 13 अगस्त से पहले इस परीक्षा को आयोजित कर लेना है, और जो सभी परीक्षाएं होंगी चाहे वो सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर, वो बहुविकल्पी टाइप से होंगी। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी चैलेंजेस हो गया कि एक तो मॉडल नहीं पता और किस तरीके से ये एग्ज़ाम होंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो उन्हें ध्यान देना होगा कि जो कंक्लूज़न है या समरीज हैं उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि विकल्पी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन,
यह सर्वेक्षण और परीक्षण जैसे दस्तावेजों रूपों में मानव चिन्ह डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया है। खैर, यहाँ के लिए फ़िलहाल OMR सीट पे हमें एग्ज़ाम देना है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को, और सभी परिणाम 31 अगस्त तक घोषित किए जाने हैं। अब ये समय बताएगा कि ये कितनी संभव हो पाएगा सारा कुछ। सेमेस्टर सिस्टम के तहत दूसरे सेमेस्टर के जिन छात्रों ने अपनी परीक्षा नहीं दी है, सेमेस्टर सिस्टम वाले में जैसे PG या UG में जहाँ जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, तो वहाँ पे जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनके पहले सेमेस्टर की परीक्षा के हिसाब से, जो पहला सेमेस्टर अभी हो रहा था उस सेमेस्टर के हिसाब से सेकेंड सेमेस्टर का परिणाम तैयार होगा, और यही लगभग सभी के लिए लागू है। तो UG और PG छात्रों दोनों के लिए एक ही फार्मूला लागू है, जो अब विषम सेमेस्टर मतलब तीसरे सेमेस्टर में जाने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, दूसरा नहीं हो पा रहा है, तो तीसरे में जाने के लिए सेम रूल है, चाहे वो UG के छात्र हों चाहे PG के छात्र हों। तो ये एक नया सुझाव आया है, और ये एक तरह से सही भी है कि केवल एक साल का एग्ज़ाम दे के कोई कैसे BSc की डिग्री ले सकता है। तो शायद भविष्य के लिए भी ये ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में ये डिग्री इनवैलिड जैसे दिखे कि आप एक साल का एग्ज़ाम दे के BSc की डिग्री पाए हो। तो अच्छी बात है कि एग्ज़ाम एनी हाउ करा लिया जा रहा है, चाहे वो मल्टीपल हो चाहे जैसे भी हो, एग्ज़ाम कराया जा रहेगा, किया रहेगा तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए यही है कि एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का ही, और कोई विकल्प नहीं है। जहाँ पे एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर पिछले साल नहीं हुआ है उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। सो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच।